सारे पार्टियां आ रही हैं तो कह रहे हैं किसानों की मसीहा बन के आ रही हैं, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों के बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, निःशुल्क इलाज करेंगे, लेकिन सब सुनी सुनाई बातें ही सुनने को मिल जा रही है। आ रही हैं जा रही हैं, बोलेरो गाड़ी आवता, सफारी गाड़ी आवता, और हम के लूटे खाली पारा पारी आवता, अलग अलग पार्टी का एक ही बजतिया, हम के लूटे खाली पारा पारी आवता, बोलेरो गाड़ी आवता, सफारी गाड़ी आवता। तो ये अलग अलग ढंग की पार्टी है, आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन जनता का कोई निजात नहीं मिल रहा है। ये दोनों के बीच में, उद्योगपतियों और राजनेताओं के बीच में, यह जनता पीसी जा रही है, इनका शोषण हो रहा है। शोषण कहाँ कहाँ हो रहा है? गरीब वर्ग है, गरीबों का, किसानों के बच्चों का, शिक्षा में शोषण हो रहा है। यहाँ अलग अलग विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, किसानों के बच्चों के लिए यहाँ स्कूल खुला हुआ है। वो हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए भाई, मैडम जी के छोटकर बच्चे का दूध को छोड़ दिया, अब बड़गे के तीन तीन को छोड़ दिया, हरे हरे कर बात रे हमारा बड़ी मार ये देखा थरियाना दोनों से इन्हें की बदला ए ही कुछ ढोल वासी न केदा। तो यहाँ हरे तरह पढ़ाया जा रहा है, और वहां उद्योगपतियों के पैसे वालों के बच्चों के लिए कहा जा रहा है स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम, सेट डाउन। तो अलग अलग ढंग के शिक्षा दिए जा रहे हैं, छोटे बच्चों के बीच में जैसा बोला जाएगा वैसा ही सुन सकते हैं। यह मांग है जनता राज आंदोलन की, जो उद्योगपतियों के लोगों को पढ़ाया जाता है, जो प्राइमरी पुस्तक चल रही है, जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, वही नर्सरी में पढ़ाई जाए, वही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाए, सबके शिक्षा बल एक दीजिए। जब जिसके पास ज्ञान रहेगा ना, कहीं कमा खा लेगा, पहले तो समान ज्ञान बांटिए। हम सुने कि ज्योतिषा फूले जी ने ये सबको पढ़ने का शिक्षा का अधिकार मांगा है, नहीं तो पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, राज घराने के बच्चे पढ़ते थे, सबको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो राजनेता कहते हैं कि भाई पढ़ने का सबको शिक्षा का अधिकार है, तो जब सबको शिक्षा का अधिकार तो समान शिक्षा क्यों नहीं कर दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब जनता के गरजा ना है तो नेताओं के क्या गरज है? जो विधायक बन गए 60,000 पाव तला, और बेचारी 1,00,000 पाव लगनी हमारे संगीता बलवन बिंद जात को आई, आ जरा फैला के सब विचारन से बिंदन से मांग ले ली, वो जीत गई ली, आ तो अब उनके पास रुपया हो गए तो उनका लड़का इलाहाबाद में पड़ी कि हलवापुरी में पड़ी। कोई बेर कहता सरकार मुंह से कह देता कि जितने शिक्षा विभाग में है जितना बढ़िया पढ़ाए थे मास्टर साहब और मास्टर आई लोग, तो पहले वह लोग अपने लड़कन के वही स्कूल में पढ़ावा, किसानों के लेकर के जो पढ़ावत हुआ वह अपन हम लेकर के नाती की जाकर पढ़ावा। यदि ढेर बढ़िया पढ़ावत होगा तो पढ़ावे के जाए ना, लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं लोग, इसमें सभी लोग सुन रहे हैं, किसी के कान पे कुछ रिंग नहीं रहा है, सब लोग चुप्पी साफ बन बैठे हुए। तो इसमें बताया जा रहा है, हम जमनिया से गए थे वोट मांगने के लिए, विधायक के लिए खड़े थे, तो तमाम ढंग की बातें कहा कि इस जनता राज पार्टी में कि जो जहां नौकरी करने लायक रहेगा सब लोग सरकारी नौकर माना जाएगा, काहे ना भट्टा पे ईटा पाटा होगा, ओकर मजदूरी सरकार तय करे, उनकी आमदनी के खाते से पैसा काट के उनके खाते में घुसे दिया जाएगा। हमारी प्यारी प्यारी जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, हर न्यायालय में मांग है, मान लिया मर्डर किए, गवाह को धमका दिया, बगल से पैसे दे दिया, तो फिर न कर दिया, कह दिया कि देखो अभी तो उनको रेल के आए हैं और जमानत करा के चले, हमारे खिलाफ गई करता है बेचारा, कह रहे भैया हमारे बिना पूछ ले ना दे दे, हम ना दे झूठाऊ कह रहे का कर बाओ हमके फंसाओ चटो हम जीवन कर। अच्छा सब कभी बातें होगी क्योंकि सारे लोग और हमसे अच्छे अच्छे वक्ता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो किसानों के हम अध्यक्ष हैं, तो किसान यदि अभी नहीं जागा तो अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन बुलाया गया था, सारी जमीन किसानों के लीज पे ले रहा है, मांग रहा है कि जब घाटा दिखा रहा है वो तो छोड़ दीजिए, हम खेती कराएंगे, जो खेती करेगा उसको मजदूरी देंगे, तड़फड़ाहट मची हुई थी। तो जो ये किसानों का चल रहा है काम, उनकी वो पोसा नहीं रहा है, तमाम ढंग की मांगे हैं। हम लोग की मांगे है कि जो समिति बने, किसान समिति में जो भी अन्य खरीदा जाता है किसान समिति खरीदे, किसान समिति से जब कोई खरीदे वो बनिया कानों में चाह जा, और किसान समिति में अधिक से अधिक
सब किसान के बच्चे रहे, और जो किसानों के कीटनाशक दवा बेच रहे हैं उसमें भी 10% किसान समिति को पैसा जाओ, जो विदेशी कंपनियां डाई यूरिया बेच रही हैं। तो इस ढंग की व्यवस्था को मांग किया जा रहा है, ये ढंग लग जाएगा तो अधिक से अधिक किसानों के बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। तो अब चलते चलाते एक किसानों पर मेरे पास थोड़ा सा एक मेरे पास पद्य है, सुना देते हैं कि अन्न खेते में पैदा करत है किसान, वो अनाजे का खुद ही बनाना बनल है। समस्या को हल्का बरत के भगत के उन्नों का जनता बनान बनल है, और जम के तमाशा देखत हूँ वो नेता खड़ा होते नेताजी गाड़ी गुआ में हमारे के जात के फूल झड़ी थमा के अपने धर्म का पड़ाका बजावा, कहिए टूटेला हमान का तड़का का बंधन, ये ललकार के खेलत हुआ होली, कर्म धर्म ईमान बेच देना और घर बेचे वाली बोलत हुआ बोली, तनको शरम ना लगत हुआ इनके कुल कपन न तुमको बचल नहीं भाई, तो इनके उजर को मिटा के लगाना, तुम्हारी बखीर उनके घरे बनत है, छाना ला भैया नौकरिया का गोला और हमान से कहना कि जय हिंद बोला। इन्हीं सब शब्दों के साथ